बहुत सारे पेशेंट एसीएल सर्जरी के बाद ये सवाल लेके आते हैं, सर एसीएल के बाद एसीएल रिहैबिलिटेशन किस तरीके से किया जाता है, एसीएल रिहैबिलिटेशन में क्या क्या एक्सरसाइजेस होती है और क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं जिसकी वजह से रिहैबिलिटेशन गलत होता है। तो ये सारे कन्फ्यूजन और एक्सरसाइज किस प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैं डॉक्टर ललित बापना ऑर्थोपेडिक सर्जन आज हमारे साथ डॉक्टर अंकुर मित्तल फिजियोथेरेपिस्ट इनको लेके आया हूं। तो हम सबसे पहले पेशेंट को बताते हैं कि एंकल टो मूवमेंट्स करना है क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि सर्कुलेशन मेंटेन रखेगी, सूजन नहीं आने देगी और पैर में एक्टिविटी मेंटेन रखेगी। तो उसके लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि दोनों पंजे अपने एक साथ मिलाएं और दोनों अंगूठे एक साथ ऊपर की ओर खींचें और नीचे लेके जाएं। ये सिंपल एक्टिव एंकल टो एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे कि आपकी काफ मसल्स, एंटीरियर लेग मसल्स, थाई मसल्स ये सारी एक्टिवेट होती हैं और सर्कुलेशन में इम्प्रूव करती हैं। इसका एक और फायदा है कि आपके क्वाड्रिसेप मसल्स को भी जब आप अपने टोज अपनी तरफ खींचते हो तो ये क्वाड्रिसेप मसल्स को भी टाइट करती है, क्वाड्रिसेप मसल को एक तरीके से एक्टिव करती है, जिसी उसी को हम आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। तो ये आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट फेज होता है जिससे आप नी बेंडिंग की काइंड ऑफ स्टार्ट करने वाले हो या वार्म अप होने वाला है, तो इस पे भी आपको टाइम डालना चाहिए। वंस योर नी लेग गेट वार्म अप देन हम नी बेंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो नी बेंडिंग में आप क्या क्या एक्सरसाइजेस बताते हो? सर नी बेंडिंग में हम सबसे पहले बताते हैं हील स्लाइड्स। हील स्लाइड्स में इमीडिएटली आफ्टर दी सर्जरी फर्स्ट वीक तक हम कोशिश, हमारा टारगेट ये होता है कि हम 60 डिग्री तक ही रेंज अचीव करें, उसके ऊपर ना लेके जाए या ओवर स्ट्रेस ना करें हम जो नया ग्राफ्ट या ACL रिकंस्ट्रक्ट हुआ है उसके लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट यूजुअली एक ब्रेस पहनता है। फॉर एग्जांपल अगर ये राइट लेग पे ACL रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, यूजुअली पोस्ट कंस्ट्रक्शन एक एक ब्रेस पेशेंट को दिया जाता है। तो हम वो ब्रेस हटाते हैं जब वो एंकल टो मूवमेंट करके वार्म अप कर लेता है, फिर हम उसको बोलते हैं कि अपनी नी को बेंड करे विथ आर सपोर्ट और हील को स्लाइड करता रहे टिल 60 डिग्री। 60 डिग्री का जो हमारा एंगल होता है वहाँ तक हम उसको लेके आते हैं और धीरे धीरे विथ असिस्टेंस उसको बोलते हैं कि सीधा करें। इसमें हम ध्यान ये रखते हैं कि वो 60 डिग्री से ऊपर ना जाएं और वो पैर पूरा सीधा करें, यानी कि अपना घुटना पूरा नीचे बेड पर टच करें। इस फेज में एक गलती नहीं करना है कि बाद में घुटने के नीचे कोई चीज़ डाल के नी 15 डिग्री फ्लेक्शन में रखो, क्योंकि फिर घुटना उस तरीके से आदत पड़ जाती है। बाई चांस आप अकेले हो या घर पे नी बेंड कराने के लिए कोई आपके पास हेल्प नहीं है या आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, तो आप यही एक्सरसाइजेस एक थेराबैंड खरीद के करा सकते हो या आप बेसिक एक दुपट्टा लेके भी कर सकते हो या सिंपल टॉवल के तरीके से भी कर सकते हो। घर पे थेराबैंड के या दुपट्टे के सहारे नी बेंडिंग कैसे की जाती है ये एक बार आप बताइए। बैठिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका राइट लेग पे सर्जरी हुई है तो ये आपका राइट लेग है जिसपे आपने ब्रेस उतार दिया है, इसके बाद एक थेराबैंड या एक दुपट्टा लेंगे जिसको आप रोल करके ऐसा सीधा कर लेंगे, इसको आप अपनी हील के पास लगाएंगे और दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। अब आपने धीरे धीरे करके अपना नी बेंड करना है, नी बेंड करना है और इसे आपने 60 डिग्री तक ही लाना है। 60 डिग्री का एक जो घर पे नापने का तरीका वो ये है कि जो आपकी हील है वो आपके दूसरे पैर के मिड पोर्शन पे आएगी, जो घुटने से एंकल का जो लेंथ है उसके मिड पोर्शन पे जब आएगी ये अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री आपकी नी बेंडिंग होती है। इससे ज़्यादा फर्स्ट वीक में आप नहीं मोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, जितने पेशेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस चीज़ को नोट करें कि ग्रॉसली आप 60 डिग्री किसको माने। लोग नहीं तो पेशेंट 30 डिग्री को भी बोलते हैं कि हमने 60 डिग्री नी बेंड अचीव कर लिया है, बट प्रैक्टिकली वो गलत चीज़ है। ठीक है, सेकंड आप अगर 90 डिग्री अचीव करना है तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंटर फॉर 90 डिग्री? सर नेक्स्ट पॉइंटर 90 डिग्री में यही होता है कि अगर पेशेंट सेल्फ कर रहा है तो इसी तरीके से वो अपनी हील को स्लाइड करते हुए अपोजिट नी तक ले आए। तो जैसे ये 90 डिग्री मतलब अपोजिट नी तक पहुंच जाएगा, मतलब आप लगभग 90 डिग्री तक पहुंच गए। इस एक्सरसाइज में आपको ये नोट करना है कि हील आपका बेड से उठा नहीं है, यानी जो एक्सरसाइज हो रही है ये कम्प्लीटली क्लोज चेन एक्सरसाइज हो रही है, दोनों एंड आपके ग्राउंडेड है, तो जो हमने ACL रिकंस्ट्रक्ट किया है वो अनलोडेड है, इस पर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा। तो फर्स्ट टू वीक्स में हम 90 डिग्री नी बेंडिंग अचीव करते हैं। बाकी आप नी एक्सटेंशन अचीव करने के लिए क्या क्या आपके पास तरीके हैं?
नी एक्सटेंशन अचीव करने के लिए सबसे पहला होता है कि पैसिव नी एक्सटेंशन अचीव करना है, तो उसमें सबसे पहले गलती जो पेशेंट ये करते हैं कि वो एक ऐसा टॉवल रोल लगा के अपने घुटने के नीचे लगा लेते हैं, जो कि नहीं करना है। इट इज़ स्ट्रेट सिंगल क्रॉस। इसकी जगह आपने जो करना है कि यही पैड आपने अपनी हील के नीचे लगाना है और नी को नीचे जाने देना है विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो पूरा सीधा हो जाएगा। दिस इज़ वन वे जिससे कि आप अपना पूरा कंप्लीट नी एक्सटेंशन अचीव कर सकते हैं। इसमें ध्यान रहे कि आपका जो टो होगा वो छत की तरफ पॉइंट करेगा, ना कि बाहर या अंदर की ओर गिरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट तीसरा सवाल है, इस फेज वन में आप क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेशन किस तरीके से कराते हो? क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेशन के लिए सर जो हम एक्सरसाइज कराते हैं वो दो एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहली है आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स। आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स के लिए सेम ऐसे ही 6 से 9 इंच का एक टॉवल रोल बनाएंगे और ये आप घुटने के नीचे लगाएंगे और घुटने को आपने 5 से 10 सेकेंड के लिए नीचे दबाना है, होल्ड करना है और रिलैक्स करना है। आप नोट कर रहे हो इस टाइम पे पूरा एंकल भी पेशेंट का अपनी तरफ पुल होगा ताकि क्वाड्रिसेप्स में मैक्सिमम स्ट्रेस आए, रिलैक्स करें। ध्यान रहे टॉवल सिर्फ एक्सरसाइज के टाइम पे ही लगाएंगे, बाकी दिन भर नहीं लगाएंगे। दूसरा तरीका जो क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेट करने का है वो ये है कि आप अपना ऑपोजिट नी बेंड करेंगे, इसका टो पुल करेंगे और इसे 60 डिग्री तक लिफ्ट करेंगे। ये करते समय शुरुआत में नी ब्रेस पहनना बहुत ज़रूरी है। बिना नी ब्रेस के या विदाउट फिजियोथेरेपी सुपरविजन ये एक्सरसाइज ना करें, वही बेहतर होगा। अगर आप अपनी टांग नहीं उठा पा रहे हैं तो आप फिजियोथेरेपिस्ट या अपने फैमिली मेंबर की हेल्प ले सकते हैं इतना पैर उठाने के लिए। फेज टू वन में यानी पहले 2 वीक में आप इतनी एक्सरसाइज करिए, इससे आपका रिहैबिलिटेशन शुरू हो जाएगा और सही तरीके से पहुंच जाएगा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज की यानी फेज़ टू की। फेज़ टू इज़ 2 से 6 हफ्ते का फेज है। इस फेज़ का टारगेट ये है कि हमको पेशेंट को बैक टू नॉर्मल लेके जाना है अपने रूटीन लाइफ में, जिसमें पेशेंट फुल नी बेंडिंग एक्सटेंड करेगा, नी पूरा स्ट्रेट रखेगा, फ्लेक्शन पूरा आएगा, एक्सटेंशन पूरा आएगा। इसके अलावा हम हिप को भी एक्टिवेट रखेंगे और उसके अलावा क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग को भी स्टिमुलेटेड रखेंगे। तो फेज़ टू में नी बेंडिंग फर्दर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसके अलावा, या यही तरीका है या और भी कुछ हम ऐड कर सकते हैं? इसके बाद सर हम फेज़ टू में जाने के लिए इसमें जब पेशेंट की स्टिचेस आउट हो जाते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं कि हम पेशेंट्स की ओपन चेन एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, पेशेंट को उल्टा लेटा सकते हैं और SLR पे हम पेशेंट्स को कुछ प्रोग्रेसिव वेट ट्रेनिंग करा सकते हैं जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। अब मुझे बताइए पेशेंट को उल्टा लेटा के नी बेंडिंग आप किस तरीके से अचीव करते हो, एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन आप दे दे तो बेटर। चल हम मानते हैं लेट से कि इस लेग की सर्जरी हुई है, तो आप नी बेंडिंग कैसे अचीव करेंगे बियॉन्ड 90 डिग्री? इसमें सर 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट की हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट करानी है। हैमस्ट्रिंग एक्टिवेशन कराने के लिए हम उसे फ्रीली बोलेंगे कि बिना अपना थाई को उठाए सिर्फ नी को बेंड करते हुए अपनी हील को बटक्स की तरफ लेके आए। शंकर अपनी हील को बटक की तरफ लेके आए। ये एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है सो दैट हम हैमस्ट्रिंग और ग्लूटियल मसल्स को हम एक्टिवेट कर सकें। जब पेशेंट 10 से 15 बार रेपिटेशन ये कर ले उसके बाद फिर हम रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए हम उसके आगे ट्रेन करते हैं। उसके लिए जो हम ट्रेनिंग करते हैं उसमें हम एक बैंड या दुपट्टा लेते हैं जो कि पेशेंट के एंकल पे बांध दिया जाता है और उसका दूसरा सिरा पेशेंट के हाथ में दे दिया जाता है, दूसरा वाला हाथ। हाँ, नाउ पेशेंट से बोला जाता है कि जितनी उसकी पेन टॉलरेंस है वो धीरे 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 करके अपना नी पुल करे, होल्ड करेगा 10 से 15 सेकंड तक और फिर रिलैक्स करेगा। याद रखना इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, कोई चीज़ तोड़ने की कोशिश नहीं करना है, नी मूवमेंट धीरे धीरे ही अचीव करनी है। नी मूवमेंट अचीव करने के लिए 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। कोई पेशेंट में जल्दी हो सकता है, कोई पेशेंट में लेट हो सकता है, इसीलिए परेशान नहीं होना है और डेली एक्सरसाइज करना है। पेन होगा बट जैसे जैसे मूवमेंट अचीव करोगे पेन धीरे 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 कम होते जाएगा। और कुछ हम नी बेंडिंग के लिए इसके अलावा ऐड कर सकते हैं या इससे
मोस्ट ऑफ द टाइम हम नी बेंडिंग अचीव कर लेते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम सर हम अचीव कर लेते हैं, पर जब हम अचीव कर लेते हैं उसके लिए हमें अच्छी ग्लूटियल और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है. तो इसमें हम एक एक्सरसाइज और ऐड करते हैं, वो है प्रोन लेग एसएलआर. तो जब पेशेंट उल्टा लेटा हुआ होता है तो हम पेशेंट से कहते हैं कि अपना पैर पूरा सीधा ऊपर उठाइए. तो इससे अब सारे मसल एक्टिवेटेड भी है और ओवरऑल लेग की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी. और कुछ हम कर सकते हैं या नी बेंडिंग इससे अचीव हो जाएगी? नी बेंडिंग इससे अचीव हो जाएगी सर. वो अगर नी एक्सटेंशन कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि प्रोन हैंग नी एक्सटेंशन कैसे किया जाता है. हाँ, उसके लिए सर पेशेंट उल्टा ही लेटा होता है और हम बोलते हैं कि थोड़ा नीचे आके लेटे, पंजा अपना बेड से बाहर निकाल के लेटेंगे. तो घुटना आपका फ्री होना चाहिए ताकि ग्रेविटी से अपने आप ये पूरा घुटना खुल जाए. ये उन्हीं केसेस में हम करते हैं जिसमें नॉर्मल नी एक्सटेंशन अचीव नहीं हुआ होता तब. वैसे रूटीन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर किसी को 5 डिग्री का फ्लेक्शन में घुटना रखने की आदत है तो इससे घुटना सीधा हो सकता है. एक और इम्पॉर्टेंट मसल जो है वो है हमारी हिप एबडक्टर्स. हिप एबडक्टर्स को ट्रेन करने के लिए करवट पे लेटेंगे, नीचे वाला पैर मोड़ेंगे और इस पैर को सीधा रखेंगे. जो ऑपरेटेड लेग है वो सीधा रहेगा. और हिप एबडक्टर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसल है जो हमें वॉकिंग में हेल्प करती है, जो कि हमें लचक नहीं आने देती है हमारी चाल में. तो उसको ट्रेन करने के लिए हम पेशेंट को साइडलाइन में लेटाते हैं, अफेक्टेड लेग हमारा स्ट्रेट होता है और पेशेंट से बोला जाता है कि भाई अपना पूरा पैर सीधा उठाइए. इस फेज में नी ब्रेस शुरुआत में पहनना है 3 to 4 वीक्स के लिए. जैसे जैसे आप बाकी स्ट्रेंथ अचीव कर लोगे ये हम नी ब्रेस के विदाउट भी कर सकते हैं, बट पहले फेज में नी ब्रेस पहनना है. गेट ट्रेनिंग के लिए आपके पास कोई पॉइंटर्स हो जो पेशेंट जब नॉर्मल चलने लग जाता है तब उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं एंड हाउ टू ओवरकम दोज, ये वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया जाए? सर उसके लिए उसको हम प्रोग्रेसिव वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं. वेट बेयरिंग हमारी फर्स्ट डे से ही कंप्लीट वेट बेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन क्योंकि सर्जरी के बाद पेशेंट के अंदर फियर होता है तो हम उनको रिट्रेन करते हैं कि पूरा वेट कैसे लिया जाए अपने पैरों पे. तो उसके लिए सबसे पहले जो एक्सरसाइज बताई जाती है वो है ओपन लेग एक्सटेंशन, जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि पैर लटका के बेड से नीचे बैठेंगे, पैर जिसमें ग्राउंड पे टच नहीं होगा, और हम पेशेंट से बोलते हैं कि अपना पैर पूरा सीधा करें. इसमें ध्यान रहे कि पूरा कंप्लीट एक्सटेंशन आना चाहिए और पंजा अपनी तरफ खींच के रखें. 2 से 3 हफ्ते के बाद जब ये इंडिपेंडेंटली करने लगेंगे फिर हम इसी में 1/2 kg से 1 kg का वेट कफ ऐड करते हैं ताकि हम क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकें. इसके बाद वेट बेयरिंग के लिए जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं वो है सिटिंग टू स्टैंडिंग. इसे हम पार्शियल स्क्वाटिंग भी कह सकते हैं, पर सिटिंग टू स्टैंडिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके पैरों पर वेट लेने पर हेल्प करती है. इसमें आपकी जो बेड हाइट होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि आपके पैर नीचे टिक जाएं, और पेशेंट से कहा जाता है कि बिना अपने हाथ का सहारा लिए वो बिस्तर से खड़ा हो और बैठे. फेज 3 ऑफ एसीएल रिहैबिलिटेशन जो 6 weeks to 3 months का होता है, फोकस ऑफ होता है, इस रिहैबिलिटेशन पीरियड का फोकस होता है आपके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और लेग के अदर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के या कोर पे फोकस दे, और इसके अलावा आपकी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस और न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन को हम चालना दें ताकि ओवरऑल पेशेंट की लिगामेंट जो है वो बेटर तरीके से बिहेव करना शुरू करे और लेग का कंट्रोल बेटर हो जाए. तो फेज 3 के एक्सरसाइजेस में आप एक बार बताइए कि हाउ डू वी एक्सेल इनटू दैट. फेज 3 में जो सर हम फोकस करते हैं वो हम करते हैं बॉडी वेट ट्रेनिंग पे और बैलेंस ट्रेनिंग पे, जिससे कि पेशेंट का एक न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल आ जाए. और उसमें हम पहली एक्सरसाइज करते हैं वो है स्क्वाटिंग. स्क्वाटिंग हम पहले कराते हैं सपोर्ट के साथ, जिसमें पेशेंट कोई भी एक वॉल सपोर्ट या विंडो सपोर्ट लेके खड़ा होता है और वो पार्शियल 30 डिग्री से 90 डिग्री तक प्रोग्रेसिवली स्क्वाट करता है. तो पहले शंकर 30 डिग्री स्क्वाट करके दिखाएंगे. दिस इज 30 डिग्री स्क्वाट और वापस आएंगे, फिर वापस. सेकेंड इज 60 डिग्री, जिसमें थोड़ा वो और नीचे जाएंगे एंड वापस. देन इज 90 डिग्री, जिसमें वो पूरा नीचे तक, जिसमें कि थाए पैरेलल हो जाएगी ग्राउंड के, एंड देन ही विल कम बैक. ये 3 महीने तक अचीव करना, ये 3 महीने तक अचीव करना है. सेकेंड इज लंजेस. लंजेस करने के लिए अगेन आपको या तो सपोर्ट से के साथ स्टार्ट करना है और फिर नॉन सपोर्टिव पे जाना है. उसके लिए आपने क्या करना है शंकर, अगेन
एक सपोर्ट लेना है, एक पैर आगे और एक पैर पीछे रखेंगे, और आपने आगे वाली नी को बेंड करना है, और पीछे वाली नी जो अफेक्टेड नी है उसको नीचे तक ग्राउंड तक लेके जाना है और वापस लाना है। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है स्टेपर एक्सरसाइज। स्टेपर एक्सरसाइज में आपकी एंकल स्टेबिलिटी पे काम होगा, जिसमें कि आपको एक स्टेपर के सामने खड़े होना है। या आप घर पे सीढ़ी पे भी कर सकते हैं या थेरेपी सेंटर में स्टेपर के सामने कर सकते हैं। इसमें आपको स्टेपर के ऊपर चढ़ना है और उतरना है। पहले आप नॉन अफेक्टेड लेग से चालू करेंगे और फिर प्रोग्रेसिवली करते हुए अफेक्टेड लेग को पहले रखेंगे। इसके बाद जो लास्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है वो है बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो एक बैलेंस बोर्ड है। बैलेंस बोर्ड एक अनस्टेबल प्लेटफॉर्म होता है, जो कि एक अनस्टेबल सरफेस आपको एक वॉबली फीलिंग देता है, जो कि आपके न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप पहले सपोर्ट के साथ खड़े होंगे और आपने इसमें लेफ्ट टू राइट आपने वॉबलिंग करनी है, जो कि आपकी लेफ्ट टू राइट मीडियो लेटरल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको न्यूरो मस्कुलर स्टिमुलेशन भी करेगा, ताकि ज्वाइंट पोजीशन ब्रेन को बेटर तरीके से अप्रिशिएट होगी। बहुत सारे पेशेंट एसएल सर्जरी के बाद ये कंप्लेंट करते हैं कि लचक आने की फील होती है, लचक नहीं आ रही। उसका रीज़न ये होता है कि इनकी न्यूरो मस्कुलर ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से हुई नहीं होती, इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड पार्ट है, इसमें आप वॉबल बोर्ड को सीधा रख के और एंटीरो पोस्टीरियर यानी आगे से पीछे वाली स्टेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे। फेज थ्री जब आप पूरी तरीके से अचीव कर लेते हो, देन इसके बाद इसी एक्सरसाइजेस का प्रोग्रेशन होता है, जिसमें आप लेग मसल के स्ट्रेंथनिंग पे और कोर पे फोकस करते हो। जैसे आप अफेक्टेड लेग की स्ट्रेंथ 90% दूसरे लेग तक अचीव कर लेते हो, आप ग्रेजुअली रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर सकते हो। रिटर्न टू स्पोर्ट्स के लिए मेरा सेपरेट वीडियो है, आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए। और इस तरीके के अगर आपको कोई और सर्जरी की रिहैबिलिटेशन के लिए आपको इंटरेस्ट हो, तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, ताकि मैं और डॉक्टर अंकुर मिलके एक और रिहैबिलिटेशन वीडियो आपके लिए लेके आए। थैंक यू।